हाँ तो हम बैठ चुके हैं अब काशी विश्वनाथ के दर्शन कंप्लीट हो गए कल, अब सुबह होटल से चेकआउट कर दिया तो अब हम बैठ चुके हैं सिटी बस लोकल जो काशी विश्वनाथ टेम्पल से रेलवे स्टेशन के लिए जाती है, तो इसका जो किराया है रेलवे स्टेशन का 20 रुपये है, ऑटो वाले आपसे 80, 100, 60 वो अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो आपको आई होप हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे जो भी नई वीडियो आए और सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे वाराणसी रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन पे चल के। जय हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों हम बैठ गए सिटी बस लो फ्लोर, मेरे बाहर का कुछ अच्छा व्यू है। तो ये देखिए दोस्तों हम खड़े हैं अभी वाराणसी जंक्शन, तो प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारी मरुद्र एक्सप्रेस अभी आई नहीं है तो इस साइड से आएगी अभी, और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। तो हमारी काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए हमने और हमारी जर्नी होती है फिर से जयपुर के लिए शुरू। तो वेट करिए अभी हमारी मरुद्र एक्सप्रेस आई नहीं है, चलो मिलते हैं फिर आपसे मरुद्र एक्सप्रेस आने के बाद। ये सामने खड़ी है कौन सी है, पटना कोटा एक्सप्रेस। चलिए मिलते हैं फिर ट्रेन के आने के बाद। तो भाई साहब ये आ चुके हैं अपनी मरुद्र एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे डाइवर्ट कर दिया अभी S2 अपना वही B4 कोच है, तो देखते हैं देखिए कहाँ था B4, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी सीट पे चल के। B4 कहाँ गया, ये तो B5 पे, और ये आ गया अपना B4, ये आ गया B4, इसमें है अपनी 60 नंबर सीट हैं, और अब अपना सीट नंबर देखते हैं 60 नंबर सीट। तो यह है अपना सीट 60 नंबर, और ऐसा कुछ इंटीरियर है कोच का, उस दिन साफ सफाई ठीक थी, आज थोड़ा उतना कम है कि ये देखिए इंटीरियर अभी खाली है पूरा इंटीरियर, ये एक भाई बैठे हैं बस। तो चलिए और मिलते हैं आपसे फिर आगे चल के। दोस्तों हमने किया था खाना ऑर्डर पेंट्री कार से, तो यह आया खाना तो दिखाते हैं आपको एक बार। ये मिला है खाना, इसमें ये क्या है, इसमें पनीर मटर पनीर की है, और ये हो गई मिक्स वेज हो गया, और ये है क्या, ये इसमें कुछ दाल है लेकिन इसमें दाल तो दिख नहीं रही है 1%,
वही ना, ये हो गया चावल। और इसमें क्या है, ये हो गया ये सॉस है इसमें शायद, सॉस ही है। और ये हो गया खीरा, और ये है चपाती। जो ये देख लो कितनी थी है। तो चलिए करते हैं खाने को फिनिश, और फिर मिलते हैं आपसे, देखिए क्या टेस्ट रहेगा, कैसा ठंडा है या फिर गर्म है, क्या दिखा दें आपको। क्या खाना है यार भाई, ये तो बिल्कुल ही एक नंबर, ये तो बिल्कुल ही बकवास। फिर भी ये तो ठीक है, मटर पनीर भी, मतलब मिक्स वेज तो ठीक है, ये तो मटर पनीर तो एक नंबर बकवास है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं इसका तो। और हमारी ट्रेन चल रही है 3 घंटे और 10 मिनट डिले, इसका टाइम का ऐसा ही है। जयपुर टू वाराणसी चलती है तो भी टाइम कोई फिक्स नहीं है, हमेशा लेट होती है। जयपुर टू वाराणसी चली थी जब हम आए थे तो 7 घंटे और 30 मिनट कुछ ऐसी डिले थी, और आज जब वाराणसी टू जयपुर जा रहे हैं तो 3 घंटे और 7 मिनट, दस मिनट या सात मिनट डिले है। टाइम का इसका बहुत अलग चल रहा है। अभी कम से कम लखनऊ के पास जौनपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कम से कम 1 घंटे तक इसका होल्ड रहा है। इतने घंटे वाराणसी 900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए चल रही है, लगभग 25 होल्ड को कवर करते हुए वाराणसी से जयपुर के लिए चलती है, और वीक में ओनली 3 दिन चलती है। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ जयपुर तक की जर्नी में, और यूँ ही आगे भी नई जर्नी आती रहेगी और आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए होल्ड पे भी, तो गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हमारी ट्रेन मरुद्र एक्सप्रेस पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल जो, और ये ट्रेन डिले चल रही है 7 घंटे। बताइए टाइम का इसका तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। हाँ अपन जयपुर पहुँचने वाले थे दिन के 12 बजे, लेकिन अब पहुँचेंगे 5 बजे। बताइए हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सामने खड़ी है लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा रूट। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सुबह का खाना, मॉर्निंग का टाइम हो गया है अभी, तो हमारे को मिला अब 1 बजे खाना। तो इसको देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। और रात वाला था वो तो उतना ठीक नहीं था, दिख तो ठीक ही रहा है, लेकिन जब खोलेंगे इसको टेस्ट करेंगे तब बताएंगे आपको कैसा क्या दिखता है खाने में। चलिए करते हैं खोल के टेस्ट। तो इसके साथ मिला है ये पराठा, और इसमें है आलू की सब्जी, ये हो गई मटर पनीर की, और ये हो गई दाल, और ये हो गया अचार, और ये सलाद। चावल रात वाली से काफ़ी ठीक है, रात वाली मटर पनीर की सब्जी अपने उसको तो ऐसे ही गिरा था, इतनी बकवास थी वो तो।
ठीक है। वैसे तो रात का सीन अभी आपको एक रात वाली एक बात तो बतानी है अभी, वो खाना फिनिश करके फिर बताता हूँ। देखिए यमुना नदी, यह है ब्रिज, पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, आगरे का ताजमहल। तो ये देख सकते हो स्टेशन का कुछ ऐसा व्यू है, और यहाँ पे था हमारा ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड। तो आइए अंदर, दे चुके हैं हमारी ट्रेन हॉर्न, और आगरा फोर्ट से डिपार्ट करते हुए। और ये पहले तो थाली की बात करूँ, मैट की हमने थाली मंगवाई तो उसका ऐसा सीन था कि जो ऑर्डर लेने आए भैया स्टाफ से थे, तो वो क्या है ना, मतलब कि ऑर्डर दिया हमारे को, हमने पहले खाना कंप्लीट करी फिर उनसे बिल मांगा कि भैया बिल, वो ऐसे बोले कि भैया पहले बोलना चाहिए था ना, बिल तो नहीं है। मैंने बोला बिल ला के दो तब पैसे देंगे हम, तो आप पैसे कहाँ देंगे। फिर बात ये हुआ कल नाइट में खाना देने आए, तो उनका पहला ही डे था जर्नी का, तो वैसे बोले भैया आज हमारा पहला दिन है तो ऐसा मत करिए, तो चलो 100 दे दीजिए, तो 130 की जगह फिर 100 रुपये लिए। वैसे वो थाली 100 की आती है, तो इनका ऊपर का चार्ज ऐसे लेते हैं, जिनको नहीं है पता वो सब ऐसे लूटते हैं, इनसे कुछ नहीं चलता है सर। फिर वो डायरेक्ट ही पहले बोलते ऐसे बोलते भैया सॉरी कोई ना गलती हो गई, मेरे फर्स्ट डे है आगे से ध्यान रखा जाएगा इसका। चलो यार फिर जब जब गलती इंसान से होती है, फर्स्ट टाइम था तो कोई बात नहीं हो गई, चलो ठीक है। फिर हमने 100 रुपये दिए उनको होल्ड के, उसके बाद जब पानी की बोतल लिए, पानी की बोतल का ये सीन रहा, वो पानी की बोतल देते हैं हमारे को और ये ऐसे बोलते हैं कि भैया 20 रुपये की है। जब हमने उस पर MRP देखा तो 15 रुपये की, तो हमने पूछा भैया इस पर 15 है, 20 के देते हैं, ले जाइए भैया। चलो भैया कोई ना 15 दे दीजिए। ये है नाइट का सीन, इतना कुछ हुआ हमारे सामने। वो भैया अभी सुबह ऑर्डर लेने आए खाने का, तो हमारे से पहले तो पूछा नहीं उन्होंने कि भैया खाना चाहिए क्या, फिर हम गए उनको पीछे से आवाज़ लेगी भैया खाना, वो बोले हाँ चलो कौन सी सीट नंबर है। तो फिर अभी तक तो पेमेंट लेने आया नहीं है, हमने आगरा पोर्ट क्लोज कर लिया है, देखिए पेमेंट लेने आएंगे तो अभी बिल लेके आएंगे या फिर वही रात वाला सीन रहेगा। चलिए और हमारे साथ जर्नी के भी मजे लेते रहिए, चलते हैं और आपके साथ आगे से आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम क्रॉस कर रहे हैं भरतपुर जंक्शन, ये देखिए दोस्तों कर चुके हैं अपने राजस्थान में एंटर, उत्तर प्रदेश को बोलते हैं भाई और राजस्थान में वेलकम। आ चुका है अपना राजस्थान दोस्तों, आपके यहाँ पे जहाँ देखोगे वहाँ ये देखिए सरस्वती दिखे दी, क्योंकि भरतपुर में जो इसका अनुसंधान केंद्र है ना सरसों अनुसंधान वो सेवर भरतपुर में ही है, तो सरसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती है। ये क्रॉस होती हुई जोधपुर वाराणसी सिटी, जो जोधपुर से वाराणसी सिटी के बीच चलती है, 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 25 होल्ड के साथ में। और ये आया है कौन सा स्टेशन है, नंदबई, यहाँ पे इतनी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है शायद, नंदबई।
है यार स्टॉपेज नहीं, इसका तो पता ही नहीं चल रहा, 8 घंटे डिले चल रही है, तो कहीं पे भी स्टॉपेज कर देते हैं इसका, जहाँ नहीं होता है वहाँ पे भी स्टॉपेज कर देते हैं इसका। ये कौन सी है, जोधपुर वाराणसी सिटी यार, मधुर एक्सप्रेस सामने ही खड़ी है अपने। हाँ यार, मतलब कि ये जयपुर से वापस आ चुकी है, जोधपुर से वापस आ चुकी है ये, एक दिन का गैप देकर। तो ये भी खड़ी अपनी जोधपुर वाराणसी सिटी, और ये अपनी जो अपनी सफ़र कर रहे हैं ये भी जोधपुर वाराणसी सिटी है, ये जयपुर से आ चुकी है और अपन जयपुर की ओर चल रहे हैं। ये देखिए, ये लो नंद भाई का स्टॉपेज नहीं था और यहाँ पे स्टॉपेज दे दिया, निकालेंगे किसी और ट्रेन को, यही तो प्रॉब्लम है भाई, क्या ही करे, इसी वजह से 8 घंटे डिले चल रही है, 8 घंटे और 45 मिनट डिले चल रही है, और अभी भी जयपुर जंक्शन नहीं पहुंची है अपनी ट्रेन, अभी भी नंद भाई भरतपुर, हाँ राजस्थान में फिलहाल एंटर कर गए। हाँ तो दोस्तों, हम खड़े हैं बांदीकुई जंक्शन, जो जयपुर से महज 3 होल्ट के दूरी पे है, और हमने कवर किया है वाराणसी से जयपुर का 900 किलोमीटर का सफ़र, वो भी 27 होल्ट को कवर करते हुए। ये खड़ा है अभी बांदीकुई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKI। तो चलिए मिलते हैं आपसे जयपुर चल के। तो ये लिए हैं दोस्तों अपन ने समोसे, तो आपको टेस्ट करके बता दें कैसा है। ये देखिए, दिख तो एकदम अच्छे लग रहे हैं यार। बांदीकुई जंक्शन पे लिए 20 रुपये के 3। तो चलिए करते हैं इसको फिनिश और मिलते हैं आपसे बाद में। हाय हाय, क्या ये बात, आ गए अपना जयपुर शहर फाइनली, 14-15 दिन के सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं हम गांधीनगर जयपुर। अपने शहर सिटी का मज़ा तो कुछ अलग ही है, एक वाइब भी अलग होती है कि जैसे ही अब देखो जयपुर में पहुंचे हैं, तो एक अलग ही सुकून सा है यार। अपना अपना सिटी सबको पसंद होता है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये दोस्तों हमने क्रॉस किया है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और अब आने वाला है अपना जयपुर रेलवे स्टेशन। भाई साहब पहुंच गए हैं अपन जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे जंक्शन, देखिए अपना शहर। भाई आ गया अपना धानक्या रेलवे स्टेशन, और ये खड़ी अपनी मरुद्र एक्सप्रेस, 12 बजे पहुंचने वाले, अब पहुंचा ही है, क्या टाइम गया, 8:30। ये खड़ी है, अब यहाँ कितनी देर खड़ी रहेगी, अपन तो चलते हैं घर पे। तो अगर आई होप हमारा ये सफ़र आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा जो ये 14-15 दिन का सफ़र था कैसा लगा आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।